तो हे गाइस, मैं हूँ के जेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के जेड प्रोडक्शन सरफेस फ्रेंड। तो आज की जो बात बात करेंगे फ्रेंड्स की, यदि आप छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि आपने CGBSE का एग्ज़ाम दे चुके हैं आज से 2022 तक के बीच में, तो फ्रेंड यदि आप अपने अनुसूची के अंदर यदि कोई सुधार चाहते हैं, माइग्रेशन के अंदर कोई सुधार चाहते हैं, या फिर डुप्लीकेट मार्कशीट चाहते हैं, तो उसके लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे फ्रेंड, A to Z हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप ऑनलाइन तरीके से किस तरीके से अपने मार्कशीट के अंदर कोई अपडेट कर सकते हैं, मार्कशीट के अंदर कोई करेक्शन या फिर डुप्लीकेट मार्कशीट या फिर डुप्लीकेट आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है उसको आप कैसे मंगा सकते हैं ऑनलाइन तरीके से फ्रेंड, A to Z हम लोग प्रोसेस जानेंगे। तो फ्रेंड यदि आप फर्स्ट टाइम यदि आप हमारे चैनल विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है और हमारा एक और भी यूट्यूब चैनल है KKZ कंप्यूटर अड्डा। फ्रेंड आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम वहाँ पर लेटेस्ट चीज़ों को पोस्ट करते रहते हैं हमारे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कोई भी एक वेब ब्राउजर ले लीजिएगा और वेब ब्राउजर के अंदर आपको सिंपली तरीके से यहाँ पर फ्रेंड CGBSE सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। CGBSE जैसे सर्च कीजिएगा यहाँ पर देखिए फर्स्ट वेबसाइट आएगी CGBSE.NIC.IN, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड आप ऑफिशियल पेज के अंदर आप आ जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं सिंपली तरीके से आप CGBSE के ऑफिशियल पेज के अंदर आ जाएंगे। यहीं आपका 10-12 का जो मार्कशीट है यहीं से आपका अपडेट होगा, यहीं से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपकी जितनी भी लेटेस्ट रिजल्ट्स आती है CGBSE के अंदर आपने दिया है, छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट है तो यहीं से आपका सब कुछ काम होना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको लेफ्ट कॉर्नर में आ जाना है, देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन देख सकते हैं, यहाँ पहले देख लीजिए आप अंक सूची सुधार जिसे कि मार्कशीट करेक्शन बोल सकते हैं आप, डुप्लीकेट आप देख सकते हैं डुप्लीकेट अंक सूची होगा आपका, डुप्लीकेट माइग्रेशन, डुप्लीकेट अंक सूची, ठीक है, ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट, अंक सूची अपडेशन। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर घूम फिर के बताया जा रहा है। तो आप ऑनलाइन तरीके से किस टाइप से जो है कि अपना करेक्शन करेंगे, क्या फीस लगेगा, सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप सिंपली तरीके से राइट क्लिक कर लीजिएगा, जैसे राइट क्लिक कीजिएगा फ्रेंड देख सकते हैं इस यहाँ पर आपको रेड मार्क में आपको दिखाई दे रहा हो कि इस पोर्टल का उपयोग सत्र 2003 से सत्र 2022 तक की अनुसूची में सुधार एवं माइग्रेशन प्रमाण पत्र आदि के आवेदन हेतु उपयोग करें, अन्य सत्र के संबंधित अंक सूची के कार्य हेतु देख सकते हैं यहाँ पर मंडल से संबंधित कार्यालय से संपर्क करें, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो आप 2003 से 2022 के बीच में जो भी अंक सूची CGBSE के थ्रू जनरेट की गई है उसी अंक सूची में आप सुधार कर सकते हैं, उसी का माइग्रेशन मंगवा सकते हैं आप, उसी के अंदर अपडेट कर सकते हैं, उसी की डुप्लीकेट कॉपी मंगवा सकते हैं 2003 से 2022 के बीच में। और यदि आप अभी 2023 के अंदर यदि आप काम कर रहे हैं, 2023 के मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम है, माइग्रेशन चाहिए, तो आपको कार्यालय में सूचना करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं आपको पता हो कि काफ़ी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पास 2023 के अंदर भी पास हुए हैं, तो उनके डाटा को सिस्टम के अंदर अपलोड करने में टाइम लगता है, एक सेटअप बनाने में टाइम लगता है। तो 2023 का जो अपडेट है 2022 में, 2000 जो 23 का डाटा है 2024 की शुरुआत में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी अभी यदि आपको जरूरत है तो आपको 2023 का भी जरूरत है आपको, तो कार्यालय से संपर्क करना पड़ेगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अदरवाइज 2003 से 2022 के बीच में कोई भी आपको मार्कशीट चाहिए, करेक्शन करवाना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, सब अप्लाई हो जाएगा, तो ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं स्टेप बता देता हूँ। देखिए साइन इन टू योर अकाउंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो उससे पहले आपको साइन अप करना पड़ता है, मीन्स कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन है आपका पास, तो यहाँ पर आप अपना नाम दे दीजिएगा और यहाँ पर फ्रेंड आपको अपना एक्टिव मोबाइल नंबर देना है और आपको अपना एक्टिव ईमेल आईडी देना है। यहाँ पर बताया जा रहा है क्या आप अपने ईमेल आईडी को ही अपना यूजर आईडी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड आप यस क्लिक कर लीजिएगा, नो करेंगे तो आपको फिर यहाँ नया देना पड़ेगा। तो यस कीजिएगा तो आपका ईमेल आईडी आपका यूजर आईडी बन जाएगा। यहाँ पर आप अपना नाम देंगे जो कि आपके मार्कशीट के अंदर जो नाम होगा उसी को आप दीजिएगा, ठीक है। यस पे क्लिक कीजिएगा तो ईमेल आईडी आपका यूजर आईडी बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा और पासवर्ड याद रखिएगा फ्रेंड मिनिमम 8 कैरेक्टर का बना सकते हैं, मैक्सिमम 15 कैरेक्टर का बना सकते हैं। अब इसके अंदर फ्रेंड आप
एटलीस्ट वन अल्फाबेट यूज करेंगे, बाकी आप स्मॉल लेटर भी यूज कर सकते हैं, अपर केस भी यूज कर सकते हैं, आपको कोई नंबर भी डालना पड़ेगा, साथ में आपको स्पेशल कैरेक्टर भी यूज करना पड़ेगा, इन्हीं को जोड़ के आपके पास एड कैरेक्टर या उससे अधिक होना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड को आप एक बार रिकन्फर्म करेंगे, देन आपको यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है उसको डालेंगे और सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका अकाउंट नया बन जाएगा। इसके बाद फ्रेंड आपके ईमेल आईडी या मोबाइल पे भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, मैं यहाँ ए टू जेड स्टेप पे स्टेप बताते जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको मैं कट कर देता हूँ क्योंकि अभी मैं रजिस्ट्रेशन जो है कर चुका हूँ मान के चलिए, ठीक है। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपका ईमेल आईडी है उसको डालेंगे, आपने जो पासवर्ड बनाया है वो डालेंगे, देन आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड जो आपको दिखाई देगा यहाँ पर डाल के फ्रेंड आपको सिंपली तरीके से लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो आप अपने प्रोफाइल के अंदर विजिट कर जाएंगे, ठीक है। यदि पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके आप सिंपली तरीके से जो पासवर्ड है उसको भी जनरेट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड ट्रैक और एप्लीकेशन है, जब आप अपने फॉर्म को फिल कर लेंगे अभी जब अपना लॉगिन करने के बाद, तो जो उसका रिसिप्ट नंबर मिलेगा उसको आप यहाँ डालकर जो सिक्योरिटी कोड यहाँ पर आएगा फ्रेंड उसको डालेंगे और ट्रैक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन आपको पता चल जाएगा कि आपका एप्लीकेशन अभी अप्रूव हुआ है नहीं हुआ है, या फिर अप्रूव हो गया है एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ है, तो वो ट्रैकिंग के लिए आपको यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड डाल के कैप्चा फिल करके वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर लीजिएगा तो आप अपने प्रोफाइल के अंदर विजिट कर जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर आपको आवेदन हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, मतलब कि इसी फॉर्म को आवेदन को फिल करने का पूरा स्क्रीनशॉट के साथ स्टेप बताया गया होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में फ्रेंड मैं आपको स्टेप बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कोई कस्टमर नहीं है जिसका मैं अभी बनाऊंगा, लेकिन आपको स्टेप बता देता हूँ तो आप उसी तरीके से आप अपना पूरा काम कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी मैं जो है कि लाइव एक पर्सन का लेके आऊंगा, दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि उसमें किस तरीके से आप जो है कि लाइव उसका मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल स्क्रीनशॉट से ही आप समझ लीजिए। तो यहाँ आवेदन हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके देखिए पूरा स्टेप आपको दिखाया गया है फ्रेंड, देख सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल हेतु देख सकते हैं vivida.cgbsc.nic, इसी वाला लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, माध्यम से छात्र अपने अनुसूची में सुधार, डुप्लीकेट अनुसूची, डुप्लीकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट देख सकते हैं, अनुसूची सत्यापन मतलब अनुसूची वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं आप कि फर्जी रिजल्ट तो नहीं है, डुप्लीकेट रिजल्ट तो नहीं है, ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट, अनुसूची अपडेट करने हेतु तो आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। तो स्टेप फ्रेंड आप देख सकते हैं वही स्टेप जो भी मैंने बताया आपको साइनिंग का, तो आपको आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे जाना है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे जो भी मैंने बताया आपको। उसके बाद देखिए आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, आप ओटीपी अपने मोबाइल पे ओटीपी आएगा उसको आप यहाँ डाल के वेरीफाई कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप उसी पे बताया था आपको अपना ईमेल आईडी डालिएगा और आप जो पासवर्ड बनाए हैं उसको डालिएगा और अपना जो वेरिफिकेशन कोड उसको डाल के लॉगिन पे क्लिक कर लीजिएगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर स्टेप टू स्टेप दिखाई दे रहा है, मैं स्क्रीन शॉट को अभी हाइड कर दूंगा फ्रेंड सिक्योरिटी रीजन के कारण, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा हाइड किया हुआ है, लेकिन यूट्यूब के अंदर कॉपीराइट मतलब कम्युनिटी गाइडलाइन के कारण मैं इसको थोड़ा सा ब्लर करूंगा, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है। आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो पीडीएफ ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर जैसे आप लॉगिन करिएगा फ्रेंड देख सकते हैं न्यू मेन्यू, आपको मेन मेन्यू स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन लिस्ट चेंज पासवर्ड और लॉगआउट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। तो यहाँ पर फ्रेंड क्या करना है आपको, न्यू एप्लीकेशन वाले पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ मार्कशीट करेक्शन, डुप्लीकेट मार्कशीट, डुप्लीकेट माइग्रेशन, मार्कशीट वेरिफिकेशन, प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स, फिर यहाँ ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपडेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें से जो भी आपको करना है उसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर मार्कशीट करेक्शन पे क्लिक किया है तो मार्कशीट करेक्शन पे आएगा फ्रेंड, यहाँ पर देखिए आपको अपना जो भी मार्कशीट है 10th का या 12th का वो आप अपडेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ईयर वगैरह आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको सिंपली तरीके से यहाँ पर आपको जो भी अपडेट करना है उस डाटा को आप अपडेट कर लीजिएगा, यहाँ पर ए टू जेड आपको दिखाया गया है, ठीक है। जब अपडेट कर लेंगे यहाँ पर जो भी चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए आएगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा ए टू जेड जो भी, यहाँ पर आपको डुप्लीकेट जो जो भी आपका मार्कशीट करेक्शन करना है उसका पूरा नाम डालिएगा आप, ए टू जेड आपको यहाँ डालने के लिए बोला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो भी सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा आप इजी तरीके से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड आप नीचे आते जाइएगा, नीचे आएगा तो अब आता है आपका पेमेंट का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जब आप पूरे फॉर्म को फिल कर लेंगे तो यहाँ पर एक और एप्लीकेशन लिस्ट आएगा, एप्लीकेशन लिस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपने जो एप्लीकेशन नंबर है जनरेट होगा और यहाँ पर फ्रेंड आपको सब कुछ आपको दिखाई देने लग जाएगा कौन सा फीस वगैरह है। तो यहाँ पर फीस पे का फॉर्म है, फिर इसके बाद एप्लीकेशन नंबर जो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रिंट कर सकते हो, एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पर पे एप्लीकेशन पे फीस के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा, जैसे पे फीस के ऊपर क्लिक कीजिएगा फ्रेंड तो आप जो है कि प्रोसीड टू पे पे आप क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपका जो है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का मोड आ जाएगा, वहाँ से आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट करिएगा
और यहाँ पर जो इसका जो फीस होगा फ्रेंड 250 रुपीज़ आपको लगने वाला है। जब आप पेमेंट कीजिएगा तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है फ्रेंड, अभी मैंने आपको बताया था कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर है जो आपको यहाँ पर दिखाई दिया था, मैं फ्रेंड यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जो एप्लीकेशन नंबर है उसको कॉपी कर लीजिएगा और सेव भी कर लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म को। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो एप्लीकेशन नंबर है उसको आप यहाँ इंटर करके आप सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आप उसे ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया हो अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। अप्रूव जैसे होगा आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे भी एसएमएस आ जाएगा और यहाँ पर ट्रैक भी आप कर सकते हो इजी तरीके से। तो फ्रेंड इस तरीके से जो है कि आप अपना जो मार्कशीट आप ऑर्डर करेंगे वो आप सिंपली तरीके से आपका प्रिंट आउट होके आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे भी दे दिया जाएगा। साथ में फ्रेंड आपका जो है कि मार्कशीट है उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो इजी तरीके से। ठीक है, आपको डाउनलोडिंग का कैसे नहीं डाउनलोडिंग कैसे करना है नहीं पता है तो आप मेरे पुराने वीडियोस को देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ट्रैक आप कर सकते हो। तो फ्रेंड यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।